भाई स्वागत है आप सबका एक नए दिन में। और आज मैं उठ गया था 8 बजे, वैसे तो मैं 7 बजे उठ गया था, बट वो पता नहीं नींद इतनी आ रही थी, एकदम दोबारा आँख लग गई और फिर सीधा 8 बजे डायरेक्ट नींद खुली। 8:20 में नींद खुली और अभी हो रहे हैं 8:30। और अब मैं अपना ना जल्दी से वर्कआउट स्टार्ट करूँगा एंड बाकी स्ट्रेचिंग वगैरह तो मैंने अभी थोड़ी बहुत कर ली है। और अब मैं अपने वर्कआउट में आज क्या करूँगा, आज एक्सप्लोजिव है एक तो लेग्स वाला, तो उसकी 4 एक्सरसाइज होंगी और 2 मैं करूँगा, एक तो शोल्डर प्रेसेस और दूसरा वो डेडलिफ्ट्स। तो ये 6 एक्सरसाइज करूँगा मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास बस आधे घंटे से भी कम का टाइम है, तो अब जल्दी से सब कुछ करना है। तो और उसके बाद फिर मेरे को जाना है अपने बेटे के घर भी, जो बुला रहा था, कह रहा था पापा आ जाना, तो आज जाऊँगा उधर भी। तो अब आपसे मिलते हैं सीधा एक्सरसाइज के बाद। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to. वर्कआउट वगैरह करके मैं अपने घर से निकल गया था काम के लिए और दीक्षित के घर आना था, तो अभी दीक्षित के घर जा रहा हूँ। बस अब वहाँ पर जाके अपना ट्रेनिंग वगैरह करेंगे और आज का वहीं पर ही दिन निकालेंगे, ठीक है। आपसे को मिला दो अपने बेटे से अभी। तो यार ये मैं अभी आया था अपने बेटे के घर, ये ऐसे मुँह छुपाता है। तो ये देखो हमारा सेटअप देख लो, कम से कम भी ना भाई 2-3 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है अपने को, बट सोच रहे कि और 2-4 करोड़ का हो जाए, तो इसलिए अभी और थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो अब इसके बाद मैं अपना घर जाके फिर तो अपनी बुक पढ़ूंगा, जोन सी बी SSB वगैरह की पढ़ूंगा और फिर आपसे मिलते हैं उसके बाद सीधा वर्कआउट के टाइम पे। तो यार आज बातों में एक चीज़ तो बताना ही भूल गया कि आज मैंने कल एक ट्रेड लिया था BTST, जो आज तक मैंने कभी लिया नहीं BTST, तो फर्स्ट टाइम ही था। तो मैं आपको उसका सेटअप बताता हूँ कि मैंने कैसे वो BTST ट्रेड बनाया था। वैसे तो मैंने भी खुद यूट्यूब पर देखा था, ऐसे कोई मेरी खुद की स्ट्रेटेजी नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे उसमें मतलब BTST लेने का सही तरीका होता है। तो यार ये जैसे देख सकते हो ये कल की मार्केट थी, मैं एक बार इसमें बॉक्स बना देता हूँ। ये वाली जो मार्केट है ना, ये वाली, ये कल की मार्केट थी, ठीक है। कल था वेडनेसडे, तो मैंने वेडनेसडे के दिन ना यहाँ पे ट्रेड लिया था, इस साइड पे मैंने ख़रीदा था और मैंने कॉल ली थी 19600 की 5 रुपये की, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था ये ट्रेड BTST, तो इसलिए मैंने जान के एक छोटी कॉल ही ली थी कि भाई अगर बाई चांस लॉस भी होता है तो छोटा ही लॉस हो, 200-250 रुपये का लॉस होएगा, तो इसीलिए लिया था। और प्रॉफिट में मेरे को पता था ज़्यादा नहीं होगा, 300-400 तक का हो, क्योंकि इतना कोई बहुत ऊँचा गैप अप नहीं आना था, 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट तक का मैक्स टू मैक्स गैप अप आना था, उससे ज़्यादा का गैप अप नहीं था। बिकॉज सेंटिमेंट्स तो सारे के सारे मार्केट के डाउन साइड के ही हैं, इतने टाइम से डाउन साइड है, तो इसलिए। तो मैंने इसमें क्या देखा था कि यार एक तो देखो 2:30 बजे के बाद से
जैसे देख सकते हो 2:40, उससे पहले भी ना ये एक अप मूव आ गया था और ये 3 बजे तक ये अप मूव रहा था। तो मैं फिर यही देखा था कि हाँ भाई, एक तो यहाँ पे अप मूव है, दूसरा क्या था ना कल ग्लोबल मार्केट में, तो ग्लोबल मार्केट में जो यूएसए की मार्केट थी जो अपनी डाउ जोन्स है वो पॉजिटिव क्लोज हुई थी। दूसरा जो अपना जर्मनी हो गया, मतलब जो यूरोपियन मार्केट होगी, एफटीएसई है ना वो शायद से, तो जो एफटीएसई है वो भी क्या बोलते हैं, पहले नेगेटिव थी बट वो भी पॉजिटिव हो गई थी थोड़ी देर में। तो उससे कहीं ना वो रिलेट करने लग गया था कि एफटीएसई पॉजिटिव है और अपनी निफ्टी भी पॉजिटिव जा रही है, तो एक वहाँ से कन्फर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई गैप अप होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। फिर और एक कन्फर्मेशन ना मैंने आपको जैसे बताई कि ये 2:30 बजे से क्या था, कैंडल जो है ऊपर वो बनाने लगी थी हायर हाइज, तो दूसरी कन्फर्मेशन नहीं होगी। और जो तीसरी कन्फर्मेशन मेरे को मिली थी वो थी ओआईज में, मेरे को भाई ओपन इंटरेस्ट भी देखना आता है, मैंने पहले उसकी भी बथेरी वीडियोज़ देखी हुई है। तो उसमें भी क्या हो रहा था, जो पुट राइटर्स थे वो धीरे धीरे ना बढ़ रहे थे एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। तो पहले कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, फिर एकदम से क्या हुआ, पुट राइटर्स धीरे धीरे से थोड़े इंक्रीज होने लग गए। तो फिर वहाँ पे एक मिनट का शायद से बैटरी ख़त्म हो गई इसलिए बंद हो गया। तो वहाँ पे क्या थे, पुट राइटर्स बढ़ने लग गए थे, तो वो तीसरी कन्फर्मेशन हो गई थी मेरी। तो फिर मैंने वहाँ पे एज अ फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया बीटीएसटी का, तो मैंने इसलिए वहाँ पे 19,600 की पुट ली, कॉल ली और उसको होल्ड कर लिया था। एंड नेक्स्ट डे जब वो ओपन हुई तो वो अराउंड लगा लो मैंने 5 कुछ पे खरीदी थी, और मैं दिखा रहा था कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं आया ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सीधा सीधा जो प्रॉफिट आया है वो आया 242 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है, ये पता नहीं 497 कौन सा है, ये मेरे को भी नहीं पता, देखना पड़ेगा, चेक करूँगा कौन सा है। वैसे तो मेरा ये था 242 रुपीज़ का जो सीधा सीधा प्रॉफिट बना था यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही मेरा ट्रेड था, तो मैंने इसमें कुछ 5 रुपये पे ख़रीदा था, 5.10 पे, और 10 के एवरेज पे मैंने इसको बेच दिया था। तो अब आपसे मिलते हैं कल, ठीक है। और कल का अगर कुछ कल मार्केट में होता तो मैं बताऊंगा, बाकी आज तो मैंने ट्रेडिंग भी अपने दोस्त के साथ ही करी थी, हिमांशु दीक्षित के साथ, और आज कुछ बना नहीं था तो आज मैंने कोई ट्रेड लिया भी नहीं है। लिया था और मैं वैसे तो घर पे एंडिंग कर देता हूँ ब्लॉग की, बट आज क्या हो ना भूल गया मैं कुछ कामों के चक्कर में। तो अभी फिर हम धोबी को घुमा के घर ही जाने लगे थे, तो फिर मेरे को याद आया कि अपनी ब्लॉग की एंडिंग भी करनी है, तो बस अभी कर रहा हूँ वो। तो भाई यहीं पर ही आज का ब्लॉग समाप्त होता है। गुड नाइट सबको, और स्वीट ड्रीम्स, और स्टे हेल्दी स्टे सेफ। आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट डे एंड जय श्री राम। एंड अब मिलते हैं आपसे कल सुबह 7:30 बजे, ठीक है। 2 दिन हो गए 8 बजे तक उठ पा रहा हूँ, 7:30 ही 7:30 पौने 8 उठ रहा हूँ, बट कल कोशिश करूँगा कि 7:30 तक उठ जाऊँ और अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दूँ टाइम से। मैं तो कल शायद से रनिंग करने जाऊँगा सुबह अंकित के साथ, बाकी देखो क्या होता है सुबह।